वेलकम दोस्तों, वेलकम हो गया फौजी डिस्ट्रीब्यू इन्फो में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो। एक सब्सक्राइबर है हमारा, बहुत प्यारा सब्सक्राइबर है, वो नाराज़ हो गया है। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नायल साथ में। उस भाई ने बोला है मेरे लिए आप वीडियो नहीं बनाते, हमने आपको कमेंट में भी बोला कि आप नायल साथ पर एक वीडियो बनाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये लेज़र लंबी, ये आप चेक कर सकते हैं, लेज़र लंबी मेरे पास है, ये इस्तेमाल कर रहा था। तो काफ़ी लोगों ने बोला आप में आप जो डिस्क्रिप्शन में हमें दे रहे हो टीपी, वो रॉन्ग टीपी जा रही है, वो नहीं कवर कर रही। तो इसकी टीपी और इसकी टीपी, इनमें फ़र्क है, इन दोनों एलएमबी में फ़र्क है। ये सादा एलएमबी है और ये थोड़ी अच्छी आ रही है। 19-20 टीपीज़ का फ़र्क भी है और तरफ का फ़र्क भी है। अगर इस एलएमबी का देखा जाए तो इस एलएमबी का तरफ थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता है, इसका थोड़ा नीचे ऊपर होता है, ये तरफ का भी फ़र्क हो जाता है, टीपीज़ का भी। इसीलिए मैंने ये सादा एलएमबी इस्तेमाल की है भाई वहीद को समझाने के लिए, वहीद मुराद साहब को। नाराज़ हो गया है, कमेंट में कह रहा है आप मेरे लिए वीडियो नहीं बना रहे। देखो मैं आज आपके लिए वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ, क्योंकि नायल साथ पे मेरी बहुत सी वीडियो अवेलेबल है। सामने ये आप कैमरा मैन चेक कराएं, ये टांकी भी आ गई है और ये नीम का दरख्त आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और ये टांकी भी सामने आ रही है, और ये दोनों चीज़ें छतरी के रेंज में आ रही हैं। इसीलिए अभी आज जो मुझे सिग्नल मिले हैं, बहुत वीक सिग्नल मिले हैं और कम मिले हैं, फिर भी मैं आपको स्कैन करके चेक करा देता हूँ कि 4 फीट छतरी पर मुझे आज कितने चैनल रिसीव हुए हैं। आइए कैमरा मैन, तो ये वही लेफ़्ट साइड, मैंने बार बार बोला है छतरी के पीछे खड़े होके लेफ़्ट साइड आप थोड़ा इस एलएमबी की जो तार आती है, ये तार हमारी जा रही है सीधा फाइंडर के ऊपर। और अभी मेरी बैटरी भी बहुत ही, आप चेक कर सकते हैं, बैटरी भी मेरी बहुत ही वीक जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बैटरी भी बिल्कुल ही फाइंडर की लो हो गई है, और मुझे ये स्ट्रांग टीपी है, टीपी भी आप चेक कर सकते हो, कैमरामैन आपको टीपी चेक करा सकता है। मैं अभी इसको इस तरह करते हूँ कि ये आप चेक कर सकते हैं, ये टीपी 12 वाली, ये टीपी भी स्ट्रांग है। इस पर इसी टीपी पे आपको ये काबे का चैनल भी मिल जाता है, ये वाला, ये आप चेक कर सकते हैं, ये कुरान पाक काबा चल रहा है। तो अगर मैं इसको स्कैन कराता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि हमें कितने चैनल रिसीव होते हैं। लेकिन मेरे छत के सामने एक बड़ी हो गई है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है नीम, और एक टांकी भी भाई ने बना दी है, तो वो भी सामने आ रही है। तो नायल साथ की सबसे पहले हम लेंगे सैटेलाइट, ये हमारे पास नायल साथ की सैटेलाइट है, इसमें इसको हम करेंगे ब्लाइंड और करेंगे स्टार्ट। अभी हम चेक करेंगे हमें कितनी रिसीव हो रही है टीपीस। तो हमारी स्कैन जारी है, चेक करते हैं, बैटरी बिल्कुल लो है, किसी टाइम भी फाइंडर मेरा बंद हो सकता है। हम चेक करेंगे, हमें चैनल मेरे ख्याल में 4 फीट पे बहुत ही कम रिसीव होंगे, लेकिन भाई की पुरजोर सिफारिश पे ये पहले ही टीपी, आप देखो कुरान पाक वाली आई है, तो ये स्ट्रांग भी होती है, ये पहले ही टीपी कुरान पाक की आई है और ये स्ट्रांग टीपी है, अच्छी टीपी है, इसमें काबा भी आ जाता है, कुरान पाक का यानी कि जो मदनी चैनल है वो भी, यानी कि मदीने वाला चैनल भी आ जाता है और कुरान पाक का भी आ जाता है, काबे का चैनल। अभी पहली टीपी और ये दूसरी टीपी हमें रिसीव हो चुकी है, ये आपके सामने है। भाई ने मुझे बोला था कि ये जो लेज़र एलएमबी है, आप कोशिश करें लेज़र एलएमबी ना लगाएं, सादा एलएमबी लगाएं ताकि हम खुद ट्रैक करा सकें। तो आज मैंने सादा एलएमबी ही लगाई है, सामने ये भी आपको दिखा दिया कि टांकी है, तो इसी वजह से चैनल हमें बहुत कम ही रिसीव होंगे। तब बाय बाय टाटा, हमारी फाइंडर मेरे ख्याल में ऑफ हो चुका है, बैटरी बिल्कुल ही डफ हो गई थी, हमें 12 चैनल मिले हैं आज के दिन के लिए, बस इतना ही। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ याद कीजिएगा और बंद कीजिएगा।